शांति एक ऐसा विषय है जिसे मैं बार बार बताना पसंद करता हूँ, क्योंकि शांति का जीवन सबसे महान चीजों में से एक है जो हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि वो हमें बताता है, वास्तव में शांति की खोज करो, इसे हमारे जीवन में एक वास्तविक प्राथमिकता बनाना है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो इस पल में आपका जीवन कितना शांतिपूर्ण है? आपके दिल में जहां आप रहते हैं, जो आप महसूस करते हैं, जहां चीजें वास्तव में होती हैं, वहां शांति है या उथल पुथल? क्या आप उस शांति की भावना से भरे हुए हैं जिसका वादा यीशु ने सताव और प्रलोभन के बीच किया था, या फिर आप गुप्त रूप से किसी बात से परेशान हैं? यदि शायद आप परेशान हैं तो एक वचन है, परमेश्वर का वचन, जिसे मैं आज आपके साथ बोलना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 3:16 में, अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। ये वो वचन है जो थिस्सलुनीके की कलीसिया को लिखे अपने पत्र में पौलुस ने कहा था। आप जानते हैं उनके पत्रों में अंतिम कुछ छंद होते हैं जिन पर हम वास्तव में अधिक ध्यान नहीं देते, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए हम जानते हैं कि ये जीवित और सक्रिय है, दोधारी तलवार से भी तेज। और परमेश्वर का वचन आज आपके लिए मेरे मित्र शांति है, उसकी शांति हर समय हर तरह से। इसलिए अक्सर जिन परिस्थितियों में हम खुद को पाते हैं वे पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होती हैं। इस पत्र में पौलुस ने अपने दोस्तों के साथ कुछ कठिन, खतरनाक और भयावह बातों को संबोधित किया है, लेकिन अंत में वो उन पर परमेश्वर की शांति की बात करता है, जो मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? क्या आप विश्वास करेंगे? यह प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदैव और हर प्रकार से शांति दे, प्रभु तुम सबके साथ रहे। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।